सियासत का बाजार बड़ा ही गर्म है। तमाम पार्टियां लगातार अपने प्रत्याशी का नामांकन दर्ज करवा रही हैं। वैसे में आज आजसू प्रत्याशी अर्जुन बैठा ने अपना नामांकन पत्र भरा। बता दें कि गांडे विधानसभा से आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अर्जुन बैठा ने आज नामांकन के बाद गांडे में जनसभा की, जहां श्री बैठा के समर्थकों एवं आजसू के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखी गई। सभा को संबोधित करते हुए श्री बैठा ने सभी आए कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों का ध्यान धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कहा कि आजसू इस बार गांडे विधानसभा से चुनाव जीतने जा रही है। जनसभा में आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष तुलसी मेहता, गिरिडीह जिले के आजसू जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव के अलावा आजसू पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद दिखे। बता दें कि इस बार गांडे विधानसभा में होने वाले चुनाव और समीकरण कहीं से बनता नजर नहीं आ रहा है। वैसे में तमाम पार्टियां लगातार अपना दमखम दिखाने में जुट गई है। एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में आजसू पार्टी ने 56 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और इस बार चुनाव भी बहुत ही दिलचस्प है। वैसे में गांडे विधानसभा में भी अर्जुन बैठा को यहां से आजसू पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। हम लोगों के साथ पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष, साथ ही गिरिडीह कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके यूसी मेहता जी हम लोगों के साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपसे जानना चाहते हैं कि गाँव की सरकार कैसे बनेगी इस बार? निश्चित रूप से गांव की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोग विशेष रूप से हम लोग का एजेंडा जो है गांव पर ही आधारित है। और गांव का जब तक विकास नहीं हो सकता है, तब तक शहर का क्या विकास होगा, क्या मायने रखता है? आप अभी शहर में आप जाइए तो गांव की महिलाएं, कितनी महिलाएं आती हैं शहर में काम करने के लिए, जो उनको काम भी नहीं मिलता है डेली। हाँ, तो ये स्थिति बहुत ख़राब है गाँव की। गाँव में जो होना चाहिए था, शिक्षा हम लोग को देना चाहिए था, पानी देना चाहिए था, बेसिक चीज़ें हैं ये सब, है ना, साफ़ सफाई, सड़क देना चाहिए था, ये भी अभी तक हम लोग दे नहीं पाए हैं। जहाँ तक 5 वर्षों में बिजली देने की बात थी गाँव गाँव में, पोल बहुत जगह है लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुँची है, रोशनी नहीं आया, अंधेरा है, ये स्थिति है। तो ये समस्याओं को देखते हुए हम लोग के केंद्रीय अध्यक्ष जी ने इस बार साध लिया है कि भाई निश्चित रूप से इस बार हम लोग गांव की सरकार बनाएंगे, क्योंकि शुरू से हम लोग बीजेपी के साथ रहे, हम लोग एनडीए के साथ, लेकिन जो हम लोग का जो अपना एजेंडा था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया उन लोगों के साथ, जिसके चलते उनका गांव गांव में 5000 गांव में दौरा हुआ, आप लोग देखे ही होंगे। हाँ, और गाँव गाँव जाके वो देखे कहाँ क्या समस्याएँ हैं, क्या नहीं है। तो उसके बाद ये डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं, इस बार निश्चित रूप से गाँव को अच्छी तरह से देखना है। गांव बसता है तो ज़िंदगी वहां बसेगी बढ़िया से। गांव शहर में कितने लोग बसेंगे? विपक्ष आजसू को दूसरी टीम मानती है, जीत के बाद क्या लोग आश्वस्त होंगे कि आजसू गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेगी, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक सीट आए और पार्टी के लोग हम लोग के पास आए, न हम लोग उन लोगों के पास जाएँ, ये स्थिति इस बार पैदा हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गांधे विधानसभा कार्यकर्ता जनता का सहयोग मिला और बहुत खुशी हुई कि भारतीय जो यहाँ आज जो लहर था आंसू की, और यहाँ जो कार्यकर्ता और जनता को पहले हम बधाई देते हैं कि बहुत खुशी है कि मेरे दिन भर समय दिए और अपने सहयोग से, अपने सब मोटरसाइकिल गाड़ी से मैंने सहयोग किया और सभी ने गांधीनगर पहुँचने का काम किया, और यहाँ पर आंसू पार्टी फतह करेंगे और विधानसभा जीत के जनता और कार्यकर्ता जीत के भेजाने का काम करेंगे, और सुदेश महतो का हाथों का मजबूत करेंगे, और विधानसभा में मुखिया के रूप में सुदेश महतो इस झारखंड का राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे। अर्जुन बैठा जिंदाबाद। हैं और आप
आशु प्रत्याशी के साथ दिन भर हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? जी ऐसा है कि सर्वप्रथम इस बार जो सुदेश जी का नारा है कि गांव की सरकार होगी, सबसे पहले मैं इस बात से प्रभावित हूं कि वास्तव में ये जो सरकार होगी वो गांव की सरकार होगी, और गांव की सरकार बनने से आज जो ग्रामीण परेशान है, कभी वीडियो के चक्कर लगाना पड़ता है, कभी सीईओ के यहाँ, कभी एसपी के यहाँ, अब क्या है कि सारे विभाग के जितने पदाधिकारी हैं गांव-गांव घर-घर जाके समस्या का समाधान करेंगे। मैं इसी बात से बहुत ज़्यादा मतलब आजसू पार्टी से प्रभावित हूँ। अमित जी आप बताइए कि इस बार चुनाव में आप आजसू का समर्थन कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होना है आपके गांडे विधानसभा? देखिए जिस तरह से हम लोगों ने पूरे लगातार 4 साल से आशू छात्र संघ में हम लोग काम कर रहे हैं, और ग्रीडी कॉलेज में जिस तरह से छात्रों की समस्याओं को हम लोग समाधान करते हैं, और सालों भर हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए, सालों भर एक्टिव रहते हैं, हम लोग को मौका मिला इस बार गांडे विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन बैठक के रूप में जो एक बहुत ही दमदार और मजबूत कैंडिडेट हम लोग को मिला है, तो हम लोग चाहते हैं और हम लोग पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं कि ये जीते और विधानसभा में भेजे, ताकि यहाँ की जो शिक्षा के क्षेत्र में जो और उन्नति हो सके, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके, वो हमारे विधायक जी जो भावी विधायक बनेंगे वो उसके सहयोग से हम लोग करेंगे, और इसके जीत के लिए हम लोग पूरा तन धन लगे हुए हैं, और हम लोग अब आज नॉमिनेशन हुआ, आज पूरे युवा शक्ति ने हम लोग प्रदर्शन दिखाए हैं, और हमारे पूरी टीम अभी लगी हुई है हमारे पार्टी के साथ, और आगे भी हम लोग पूरा जनसंपर्क अभियान करके गांव-गांव जाके जिस तरह से हम लोगों ने छात्रों को मदद की है, उसी तरह हम लोग जनता को विश्वास दिलाएंगे कि उसी तरह हमारे अगर बैठा जी चुनाव जीतते हैं तो वो जनता का मदद। तो आजसू इस बार 56 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, देखना दिलचस्प है कि क्या होगा आगे। बने रहें समाधान इंडिया के साथ, कैमरामैन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव। पावर है चाहत हर किसी की, किसी की इच्छा पूरी करने का पावर, तो कभी मुश्किलों को आसान बनाने का पावर, हर काम को जिम्मेदारी से निभाने का पावर, किसी पे जान लुटाने का पावर, मेहनत से किस्मत चमकाने का पावर, सपनों को साकार करने का पावर, आयशर का सुपर पावर, सच्चा पावर, सच्ची खुशियां।